15 फीट ऊंचे शिवलिंग का पीएम मोदी ने किया अनावरण, भक्तों के लिए खुला अध्यात्म का नया आगन। विद्यार्थियों ने किया बॉम्बे सैयद गेट पर प्रदर्शन, 4 साल से नहीं हो रहे हैं छात्र संघ चुनाव। खजाने को लेकर हो रही है तरह तरह की चर्चाएं, मौके पर पहुंचे एसडीएम और क्षेत्राधिकारी। लखनऊ में वाहनों के संचालन के लिए होगा आंदोलन, वर्कशॉप के कर्मचारी संघ करेंगे प्रदर्शन। बलरामपुर में जल शक्ति मंत्री ने किया हवाई सर्वेक्षण दौरा, बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव आज सैफई में पंचतत्व में विलीन हो गए, जिसके चलते आज पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। तो वहीं नेताजी को अखिलेश ने नम आंखों से मुखाग्नि दी। इस दौरान सैफई में मेला ग्राउंड में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कई दिग्गज नेताओं के साथ जनता ने नेताजी को पुष्पांजलि अर्पित की। जैसे कि आप ये 3 तस्वीरें देख पा रहे हैं, श्रद्धांजलि देते हुए उनके सम्मुख नेताजी के अखिलेश यादव मौजूद हैं और उनके परिवार के सदस्य और वरिष्ठ नेता, प्रदेश के वरिष्ठ नेता सत्ता पक्ष और विपक्ष से आज मौजूद होकर नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम समय में चंद सैलाब उमड़ पड़ा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। भारी संख्या में वहाँ पर लोग, कार्यकर्ता और जनता मौजूद रही और अपने प्रिय नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की सूचना के बाद जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आकर हैबिटेट सेंटर के साथ 400 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। उनके कार्यक्रम की जानकारी जिला अधिकारी ने दी। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे का अंतिम कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी संभावना है कि वो 1-2 दिन के अंदर जनपद में आ सकते हैं समीक्षा बैठक के लिए। तो उनकी समीक्षा बैठक हेतु जो रूटीन तैयारियां होती हैं वो की जा रही हैं, विकास परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। तो उस हिसाब से जो जनपद अलीगढ़ की मुख्य परियोजनाएं हैं और जो कंप्लीट हो चुकी हैं उनका लोकार्पण कराया जाएगा, और जो निर्माणाधीन परियोजनाएँ हैं अगर उनको विजिट करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनका स्थलीय निरीक्षण कराया जाएगा। शाहजहांपुर के आश्रम बाजार में पतंजलि मेगा स्टोर का भव्य शुभारंभ किया गया। तो वहीं इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने पतंजलि स्टोर का फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही पतंजलि स्टोर के स्वामी ने बताया कि उनके इस मेगा स्टोर से न केवल फ्रेश पतंजलि प्रोडक्ट्स मिलेंगे बल्कि निःशुल्क वैद्य परामर्श भी मिलेगा। बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी इस मेगा मार्ट की, क्योंकि पतंजलि का जो सामान यहाँ पर बहुत आधा अधूरा मिल पाता था, आज फुल रेंज पतंजलि की यहाँ उपलब्ध रहेगी। और क्योंकि आपका ऑलरेडी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनके प्रमोटर्स का, ऑलरेडी आपके 5 मेगा मार्ट चल रहे हैं लखनऊ में, बरेली, मुरादाबाद में जगह पर भी, तो बहुत अच्छा सामान डिस्काउंट रेट पर भी उपलब्ध रहा करेगा, ये सबसे बड़ी बात। बैठा हुआ है बिल्कुल निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं किसी प्रकार का, और यहाँ पे दिखा सकते हैं और दवाई भी सारी उपलब्ध है। मार्केट से लोग सोचते हैं कि पतंजलि का प्रोडक्ट बहुत महंगा है, आएंगे यहाँ पे देखेंगे तो कम से कम रेट में हर चीज़ उपलब्ध है। अयोध्या में सीएम योगी दौरे के पहले मंडलायुक्त के 6वें दीपोत्सव और भव्य व दिव्य मनाए जाने के संबंध में सभागार में जिले के सभी आला अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक की। 6वां दीपोत्सव 23 अक्टूबर को भव्य रूप से मनाया जाएगा। आपको बता दें कि दीपोत्सव के इस बार 15 लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया जाएगा। इसके बाद साकेत महाविद्यालय के 11 झांकियां निकाली जाएंगी। वहीं मंडलायुक्त ने कहा कि दीपोत्सव के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा 1,041 करोड़ की लगभग 239 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा।
गोंडा में पुलिस और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले 25 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सब्जी मंडी रामलीला मैदान के पास लोग सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणियां की गई थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस ने कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया था। बुलंदशहर में कुछ दिन पहले ई रिक्शा चालक के साथ कुछ दबंगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और साथ ही दबंगों ने रिक्शा चालक के साथ मारपीट भी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। तू गाड़ी चला रहा है, मैंने क्या करूं बताओ, तुम दे दो कोई नौकरी बैठे कर लूंगा, लंगड़े भंगड़े मेरे को इतना भगाना, तुम मेरे को कुत्ते की तरह मारा नीचे डाल के, वीडियो ही बनी हुई है इस चीज़ की, बेहसा मारा मेरे को, देखो आँख भी मेरे देख लो, अपनी खून भर रहा है मेरी। अब यहाँ पे आए क्या कहना चाहो? मैं अपने केस WF में करवाना चाहता हूँ। 4/10/2022 की घटना है नवरात्रे की, कुमार दिव्यांग दिवाई के साथ में जो शोषण किया गया है, इसको बेरहमी से पीटा गया है लाठी डंडों से, और दिव्यांग एक्ट PWD एक्ट जो मोदी जी ने लागू किया है उसका दुरुपयोग किया गया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और PWD एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम। फरीदाबाद इलाके के सेक्टर 75 स्थित के LJ सोसाइटी में रहने वाले एक बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका शव उन्हीं की गाड़ी से बरामद किया गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्याओं की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। क्या जानकारी मिली आपको, जैसे कि पहले सुसाइड है या हत्या है, क्या? अभी तो मर्डर के लिए ही बोल रहे हैं। मर्डर है? कौन है, क्या नाम है इनका? तो मुझे नहीं पता, काम आस पड़ोस के गांव वाले, पड़ोस गांव वाले हैं जो इसके साथ कुछ आप इसकी हत्या हुई है तो कोई कारण पता चल पाए, परिवार से बात हुई क्यों? नहीं अभी नहीं, हम तो वैसे आ गए गांव में जैसे पता लगी। अच्छा सर, हमें रात को सूचना प्राप्त हुई कि KLJ सोसाइटी सेक्टर 70 के सामने रोड के ऊपर कोई अरविंद कुमार नाम के लड़के को गनशॉट इंजरी आई, तो इमिडिएटली इन्फॉर्मेशन मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद पता चला कि जो उसके साथ लोग थे वो उसकी बॉडी को इंजर्ड को सर्वोदय हॉस्पिटल लेके चले गए। हम सर्वोदय हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया, जिसकी बॉडी हमने BK मोर्चरी में रखवाई हुई है और पोस्टमार्टम कराएंगे, जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ में भवनिका पूर्वा थाना सलोन में युवती की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बीते दिनों आरोपी आशिक ने युवती को घर से बाहर मिलने बुलाया था, वहीं जब युवती आशिक से मिलने गई तो दोनों के बीच में कहासुनी हो गई, इसके बाद आशिक ने युवती की हत्या कर दी। महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र में 10 अक्टूबर को एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कंपनी के डिलीवरी गोदाम में चोरी हो गई। पुलिस ने चोरी मामले में खुलासा किया है। आपको बता दें कि चोरी की घटना में गोदाम में तैनात कर्मचारियों की मिली भगत से चोरी मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में गोदाम के इंचार्ज समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी संख्या में मोबाइल और 10 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं। कस्बा में बाईपास के पास फ्लिपकार्ट के गोदाम में जो चोरी हुई थी, उस चोरी के संबंध में आज ये खुलासा किया गया है, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम क्रमशः प्रिंस मजवार, सतीश विश्वकर्मा, दिलीप यादव, कार्तिक जायसवाल, सब लोग नौतनवा में टेम्परेरी या परमानेंट रूप से रह रहे थे, और इनके पास से जो भी सामान गायब हो गया उसकी पूरी 80% गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज बलरामपुर पहुंचे, जहां जल शक्ति मंत्री ने रिजर्व पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक की और बाढ़ क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, इसके बाद पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। बाढ़ में भैया 3 रोज होगा, छत पे ऊपर से पानी बरसत है, नीचे पानी करिहाँ भर घर में, और खाना बनावा नहीं कोई, क्योंकि यहाँ 3 रोज चूल्हा नहीं हम लोगों ने किया जला है।
आज ले जाएंगे, अब आज ले जाबे तो कोनो मेर के अगर ये जो बना चुना मिला है वो है खावा जाई, और जब खाली हुई तब चाहे भोजन बनाए ना बीच ना ही बने कुछ लोग है। बाढ़ में बह गया? हाँ, सब बाढ़ में बहेगा है, कोनो अनाज पानी कोनो है नहीं कि कहाँ है। तो राह सामग्री में क्या क्या मिला है? मिला है चावल, आटा, दाल और पानी बोतल और आलू और चबेना। कहाँ रहते हैं? टिकुया। बाढ़ में? बाढ़ में ये रेलवे कोहपार और राप्ती के बीच में। खाना वाना खाए थे? खाना बीच में खाए थे? अरे भाई सुबह आज खावे नहीं क्यों नहीं, सुबह से आए हैं। मिला है चावल है, आटा है, दाल है। कहाँ रहते हैं? मन्नी पे टिकुया। कितने दिन से नहीं खाना खाए थे? छह दिन हो गया। छह दिन से खाना नहीं खाया, घर में करिया करिया पानी है। आज ले जाएंगे तो आज खाएंगे? आज खाएंगे। जलाने के लिए चूल्हा उल्हा या कुछ है? कुछ नहीं साहब। किस पे बनाएंगे? गैस पे बनाएंगे, कोई कंडा लकड़ी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एकाएक जो बाढ़ के बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच इस मंडल में जिस प्रकार, और लोगों का कहना है कि 37-38 सालों बाद इस प्रकार का बाढ़ और पानी नेपाल से आया है, जिसके कारण 302 गांव प्रभावित हुए हैं और लगभग 150 के आसपास जलमग्न हुआ है गांव। नाव, सामान्य मोटर बोट, SDRF की टीम, NDRF की टीम, सभी लोग लगे हुए हैं। प्रत्येक गांव में रहने वाले सभी लोगों को राहत मिले, जानवर को भी और जन को भी। इस प्रकार से जिलाधिकारी पूरी टीम लगी हुई है, सभी अधिकारियों की टीम लगी, जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं सेवा कार्य में। जो भी कमियां होगी उसको हम। हरदोई में एक नवजात झाड़ियों में पड़ा मिला इलाके के लोगों में जब बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। एक नवजात शिशु पुलिस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बावन लाया गया था, जो कि देखने में स्वस्थ प्रतीत हो रहा था, लेकिन बच्चे वाले डॉक्टर के पास हमने जो है जिला अस्पताल उसको रेफर किया है अन्य जा चुके हैं। बीच तो इस बच्चे क्या करेंगे आप? हम क्या करेंगे, जैसे हमने अपने बच्चा पाले वैसे पालेंगे। हरदोई में बालामऊ एक किसान की छत से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मृतक किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। हरदोई में मोहल्ला इनायतपुर तकिया में एक महिला ने अपने पति पर घर से भागने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि युवक ने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को घर से निकाल दिया। जब महिला ने बच्चों के साथ कोतवाली पहुंचकर पुलिस से शिकायत की, बीते दिनों में नवरात्रि में प्रशासन के सख्त आदेश के बाद भी बाजे पर रोक लगाई गई थी, जिसके बाद आदेशों का उल्लंघन करने पर कुछ लोगों पर नोटिस भेजकर विधिक कार्रवाई भी की गई थी। वहीं विशेष समुदाय के लोगों को उनके त्यौहार पर नियमों को तोड़ने की छूट दी गई थी, जिसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष की अगुवाई में कई पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के बाद रायबरेली के जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा, साथ ही उचित कार्रवाई की मांग भी की। अभी आपने देखा होगा, अभी कल ही जो है एक मुस्लिम समाज द्वारा जो है उनका त्यौहार था, उसमें उन्होंने किस तरीके से रोड पे बलिया गाड़ी किस जुर्मत से और कितने साउंड लगे थे, कितनी डेसिबल की आवाज़ थी उनकी, तो ये सब विषयों को लेकर के हम लोगों ने जो है ये ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को। और प्रशासन उस पर जो है कि प्रशासन आखिर ये दोहरी मानसिकता क्यों अपना रहा है और हम लोगों के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचकर या कार्रवाई कर रहा है, धमकी दे रहा है हमारे कार्यकर्ताओं को, तो और उनके खिलाफ़ कहीं कोई वो नहीं हो रहा है। आप देखा होगा कितने लोग अभी जुलूस में निकले, सब कितने गेट लगाए गए उनके, और आखिर ये किस तरीके से हो रहा है, तो हम सभी लोगों ने सोचा कि जो है ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह से अवगत कराया जाए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का मांग को लेकर विद्यार्थियों ने बाबे सैयद गेट पर प्रदर्शन किया। बता दें कि एएमयू में करीब 4 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए, जिसके साथ ही अमूटा और एएमयू कर्मचारियों के भी चुनाव नहीं हुए, जिसको देखते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया और कुलपति से मांग की है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर छात्र संघ के साथ शिक्षकों की एसोसिएशन अमूटा का जल्द चुनाव कराया जाए। ये जो ज्ञापन दिया प्रोक्टर साहब को दिया है और वाइस चांसलर के नाम दिया है, हमारी जो डिमांड है वो छात्र संघ चुनाव की है। 3-4 साल तकरीबन हो गया, अभी तक छात्र संघ चुनाव नहीं हुए इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और भी इलेक्शन नहीं हुए, जैसे अमूटा का इलेक्शन नहीं हुआ है और एम्प्लॉय के भी इलेक्शन नहीं हुए हैं। हमने वीसी साहब से डिमांड की है कि हमारे चुनाव को जल्द से जल्द कराया जाए, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर होता है उस काम को पूरा कराना चाहिए इनको, लेकिन हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका हनन हो रहा है। हम आज मजबूरन आए बाबे सैयद गेट पर और एक ज्ञापन दिया और हमने डिमांड करी है कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द नहीं होगा तो हम एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं और यहीं पर हम धरना दे सकते हैं। अभी एक मेमोरेंडम दिया है एड्रेस टू द वाइस चांसलर और उन्होंने अपने इस मेमोरेंडम के जरिए से वाइस यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील किया है कि यूनिवर्सिटी की जो तमाम बॉडीज़ हैं, जैसे स्टूडेंट्स यूनियन है और टीचर्स एसोसिएशन है, इस तरीके से जो जो बॉडीज़ हैं, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, उनके इलेक्शन कराए जाएं, जल्द से जल्द कराए जाएं, ताकि स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन बॉडीज़ में हो सके। बस एक यही उनकी डिमांड है कि इलेक्शन जो वाइस बॉडीज़ हैं उनके इलेक्शन कराए जाएं। ये एमयू एडमिनिस्ट्रेशन की तानाशाही है, चुनाव नहीं करवा रही है और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब तक तो इनके पास बहाना था कि लॉकडाउन है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन अब पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफलाइन मोड पे रन कर रही है, डिपार्टमेंट सारे क्लासेस सारे ऑफलाइन मोड पे हो रहे हैं। प्रॉब्लम स्टूडेंट को बहुत आ रही है, डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम होती है, हॉस्टल की प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टूडेंट के पास कोई ऐसा वे नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुँचा सके। एडमिनिस्ट्रेशन तानाशाही कर रही है, स्टूडेंट की बात सुनती नहीं है और इसके वजह से यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन होना बहुत ज़रूरी है। यूनियन होगा, स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम यूनियन को बताएगी, यूनियन उसको फॉरवर्ड करेगी एडमिनिस्ट्रेशन तक, उसके बाद सोल्यूशन मिलेगा। बदायूं में कस्बा बिलसी में खंडहर नुमा मकान को ढहाते समय चांदी के सिक्कों की बरसात होने लगी, जिससे वहां लूट मच गई। तो वहीं पुलिस ने पहुंचकर मकान तोड़वाई का काम रुकवाकर खुद मोर्चा संभाल लिया, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। साथ ही लोगों का मकान के निकले खजाने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं। इसी दौरान मौके पर एसडीएम क्षेत्राधिकारी और नगर पालिका के चेयरमैन समेत तमाम अफसर वहां पहुंच गए। मैनपुरी के बेवर थाना प्रभारी ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 3 अभियुक्तों और पूर्व प्रधान के बेटे को गिरफ्तार किया है। साथ ही कब्जे से 3 तमंचे, 1 पैनी और भारी संख्या में अवैध शस्त्र बनाने वाले उपकरण बरामद किया गया है। तो वहीं पूछताछ में पता चला कि यह शस्त्र फैक्ट्री कई समय से क्षेत्र में संचालित की जा रही थी, जिसमें पूर्व प्रधान कोविंद सिंह उर्फ बंटू के संरक्षण में यह शस्त्र फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसका थाना पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए बड़ा खुलासा किया है। बेवर पुलिस ने एक सटीक सूचना के आधार पर एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी है, काफ़ी संख्या में तमंचे बरामद हुए हैं, 8 की संख्या में, और काफ़ी बड़ी मात्रा में जो फैक्ट्री के औजार होते हैं, उपकरण होते हैं, वो सब बरामद हुए हैं। काफ़ी दिन से काम इनका चल रहा था, सप्लाई ऑन डिमांड तमंचे बेचते थे और एक सटीक सूचना के आधार पे रेट के दौरान इनको पकड़ा गया है। एक इसमें जो अभियुक्त है पूर्व प्रधान है और वो अपने घर में ही इस तरह से फैक्ट्री संचालित कर रहा था। इसमें एक अभियुक्त पूर्व में भी शस्त्र बनाने की फैक्ट्री में जेल जा चुका है और इस गुडवर के लिए एसपी मैनपुरी द्वारा इनको 15,000 रुपये का इनाम दिया गया है। अंबेडकर नगर में बारिश से घाघरा नदी उफान पर है। आपको बता दें कि खतरे के निशान के ऊपर घाघरा नदी का जलस्तर है। बढ़ते जलस्तर के चलते नदी से सटे आसपास के निचले इलाकों में पानी घुस गया है, जिससे कई एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। वहीं माझा में रहने वाले लोगों के घर तक पानी पहुँच गया है, लोग दहशत में हैं, जीने को मजबूर हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बाढ़ का जायजा लेने श्रावस्ती पहुंचे, जहां बरसात के बीच भाजपा विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। वहीं जल शक्ति मंत्री ने जिला में आई बाढ़ के बारे में अधिकारियों और कर्मचारियों को भाजपा जनप्रतिनिधियों से जानकारी ली, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से आए बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना
और उन्हें राहत सामग्री दी, जिसके बाद जिले के प्रशासन टीम लगातार बचाव और राहत कार्य में का काम कर रही है। शासन स्तर से हर संभव मदद की जा रही है। इस दौरान डीएम एसपी सहित जिले के कई अधिकारी वहां मौजूद रहे। तो आज मैं पूरा देखा हूं, वास्तव में भयंकर स्थिति श्रावस्ती बराई बलरामपुर की आज जनता के बीच में आज यहाँ पूरी समीक्षा किया। लगभग ऐसे 48 ग्राम जो बाढ़ के पानी से पूर्णतः घिरे हुए हैं, राहत सामग्री भी चल रही है। जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको यथास्थान पहुंचाकर ऐसे हमारे भोजन भी पैकेट वितरण लगभग 98,000 लोगों को लंच पैकेट भी बांटा जा रहा है। डग्गामार वाहनों के संचालन के खिलाफ सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप के कर्मचारी संघ चारबाग बस अड्डे पर आंदोलन करेंगे। साथ ही संघ के प्रांतीय मंत्री ने प्राइम टीवी से अपने बातचीत में बताया कि इन डग्गामार वाहन संचालन से परिवहन निगम को करोड़ों रुपए की राजस्व की हानि हो रही है। लखनऊ में डग्गामार गाड़ियों का संचालन धड़ल्ले से हो रहा है। आरटीओ ऑफिसर और पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद इन डग्गामार गाड़ियों के संचालनकर्ता के हौसले इतने बुलंद हैं कि लखनऊ की सड़कों पर ये सरपट दौड़ रही हैं। आज हम सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री जसवंत सिंह से जानेंगे कि डग्गामार संचालनकर्ता के विरुद्ध आंदोलन ये जो करने वाले हैं इसका क्या व्यापक स्वरूप होगा। डग्गामार संचालन जो है परिवहन निगम के लिए नासूर बन गया है और साथ ही साथ हजारों रुपया करोड़ों रुपये की पर डे राजस्व की चोरी सरकार की भी ये डग्गामार संचालन कर रहे हैं। इस डग्गामार संचालन की वजह से करोड़ों रुपये की आय परिवहन निगम की कम आ रही है, जिसके कारण हमारे कर्मचारियों के जो देयक हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे यहाँ संविदा के जो चालक परिचालक आउटसोर्सिंग के लोग हैं उनका वेतन नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ तक कि महंगाई भत्ता भी इस कारण से नहीं मिल पा रहा है कि हम इनकी वजह से हम आज घाटे में हैं। तो आपकी एक मुहिम परिवहन विभाग के खिलाफ भी है, आंदोलन आप करने वाले हैं आगामी 20 अक्टूबर को, तो उसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? 20 अक्टूबर को जो हमारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन परिवहन निगम मुख्यालय पे है वो कोई निगम विरोधी या कोई उसके खिलाफ नहीं है। हमारे MD साहब आए हैं, अभी उनका कार्यभार संभाले कम समय हुआ है, लेकिन हमारी मांगें जो वर्षों से लंबित है, जैसे मृतक आश्रितों को नियमित नियुक्तियां नहीं मिल रही है, शासन का आदेश है कि 2016 का कि 2001 तक के हमारे संविदा के चालकों को परिचालकों को नियमित किया जाएगा, नहीं किया जा रहा है। अभी हमारा जो है 11% DA वेतन में नहीं लगाया गया है, जबकि अन्य जो है विभागों में नहीं है। शासन में जब परिवहन निगम बना था तो स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि हमारे हित लाभ किसी भी दशा में राज्य कर्मचारियों से कम नहीं होंगे, लेकिन हमारा छठा वेतनमान, हमारा सातवां वेतनमान जिसका एरियर तक हमको नहीं मिला, ऐसी वो तमाम चीज़ें समस्याएं हैं। स्पेयर पार्ट की कमी है, हमारे यहाँ बस बेड़ा पुराना हो गया है, 4,000 बसों की मांग है। शासन के नाम्स के अनुसार हमारे यहाँ कम से कम 20,000 नियमित कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए। ये मैं कहूँगा, किसी एक चैनल पे मैंने देखा था हमारे परिवहन मंत्री जी ने 10,000 नियमित नियुक्तियों की भर्ती के लिए कहा था, लेकिन वो 20,000 होनी चाहिए। हमारे जो चालक संविदा के चालक परिचालक हैं और जो आउटसोर्सिंग में हमारे काम कर रहे हैं, जिनको वर्षों वर्ष हो गया निगम में काम करते हुए, तो जो नियमित नियुक्तियाँ उसमें 100% संविदा के और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को लिया जाए, कोई भी रिबेट हमको नहीं दी जा रही है। और सबसे बड़ी मांग है आपके चैनल से करना चाहता हूं, माननीय योगी जी से, माननीय परिवहन मंत्री जी से, कि हमारा जो अतिरिक्त कर 300 करोड़ रुपया जो जाता है उसको माफ़ किया जाए, हमें 500 करोड़ रुपया सालाना जो है अनुदान दिया जाए। मैं दावे से कहता हूं कि परिवहन निगम आने वाले समय में किराया घटा देगा। किराया बढ़ाना अपने आप में आत्महत्या करने के बराबर है, हम किराया बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। तो ये थे हमारे साथ सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री जसवंत सिंह जी, जिन्होंने प्राइम टीवी के माध्यम से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने अनुरोध किया है
कि वो कुछ रिबेट दे परिवहन निगम को ताकि वो अपने किराया को बढ़े हुए किराए को घटा सके। साथ ही साथ उन्होंने अपने निगम के यूनियन और निगम की भी कई उपलब्धियां गिनाई हैं हमारे चैनल के माध्यम से, कई सारे मुख्य बिंदु पे बात किया है। और कल चारबाग रोडवेज से ही, बस अड्डे से ही एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं डग्गा मार संचालन के खिलाफ। मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।